सब बोलिए तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम्। तो ओंकार का ध्यान ऐसे करना जैसे बताया, ओम का जो अर्थ है, ओंकार का अर्थ क्या है, ये सारा ब्रह्मांड ओंकार का ही अर्थ है, प्रभु सब तुमसे ही है, तुझसे ही है बस, माता पिता गुरु पिंड ब्रह्मांड सूर्य चंद्र यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतो उदरम दिवम यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रभु सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तुझसे, सब में भगवान को देखना, यही ओंकार का अर्थ की अर्थ भावना है। तो अब व्यायाम शुरू करेंगे 15-20 मिनट का, प्रार्थना के साथ कराते हैं। हमारी बेटियां यहां से कुछ प्रार्थना बोलती रहेंगी, लंबे लंबे श्वास, हमको अपने भारत की मिट्टी से अनुपम प्यार है, लंबे लंबे श्वास। तो ये पहले योगी जोगिंग और फिर सूर्य नमस्कार, फिर बैठक, फिर धन, ये रोज करता हूँ, लंबे लंबे श्वास। पावन वीर शहीदों के बलिदान में, इस माटी की जो
तेज व्यायाम कर लेता है ना, फिर उसके शरीर में कोई व्याधि नहीं होती। हमारे शरीर वज्र की भांति होने से, सब बोलिए अस्मा अस्मा भवतु नस्तनो बलम उपास्व। वेद भगवान कहते हैं हमारे शरीर वज्र की तरह होने चाहिए, मजबूत। नया महात्मा बल ही नहीं लभ्य, बलम उपास्व, बल की उपासना करो। तो सबको रोज योगाभ्यास करना है, रोज व्यायाम करना है, रोज आसन करने हैं। अभी हमारी बेटियां यहाँ से कुछ योगासनों का प्रदर्शन करेंगी। बेटियों को हम आमंत्रित करते हैं योगासन के लिए। एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियां कुछ योगासनों का प्रदर्शन करेंगी। Oh.
बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन बेटियों ने योगासनों का। अपने शरीर को मैंने कहा था साधना है, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, और इन पर क्या पानी है? विजय। तो अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर विजय पाने के लिए योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सत्कर्म, सेवा, ये सब हमारे साधन हैं। और इन बेटियों ने ये अभ्यास पूरा किया। अभी दूसरे अभ्यास क्रम में जो है कराटे का प्रोग्राम है, वो भी मंच पर आएंगे। और यदि शरीर को बलवान बनाना है तो उसमें दो मुख्य साधन हैं। एक संतुलित सात्विक पौष्टिक आहार। संतुलित मैंने इसलिए कहा कि उसमें सारी न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, कैल्शियम, विटामिन, आयरन, प्रोटीन, मिनरल्स सब होने चाहिए। सात्विक मैंने इसलिए कहा कि ये मिनरल्स, ये विटामिन्स, ये प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस ये तो मांसाहार से भी मिल सकते हैं। तो हमारा स्रोत सात्विक होना चाहिए, स्वास्थ्य का भी, समृद्धि का भी, सुख का भी। इसलिए संतुलित सात्विक, और फिर उसकी एक सही मात्रा में जब उसको लेते हैं, पूरा योगाभ्यास करते हैं, तो उतना ही वो पौष्टिक भी चाहिए। लिया तो, लेकिन उससे पूरा पोषण नहीं मिला आपको। तो इसीलिए अभी हमने जिनको आहार से पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है, उसके दो कारण हैं। आजकल अलग अलग प्रांतों में दूध के ऊपर परीक्षण किया, सरकार की कुछ एजेंसियां होती हैं, सैंपल उठाती हैं। पूरे देश भर से सैंपल उठाए गए दूध के, कई जगह 100%, कहीं 90%, कहीं 85%। एवरेज पूरे देश में 70% दूध में मिलावट पाई गई। इसलिए ये WMP माने होल मिल्क पाउडर, इसमें जैसा आप गाय से दूध निकाल करके पीते हैं, गाय के स्तनों से निकला हुआ जैसा दूध होता है, उस दूध में से खाली क्या किया, पानी के मात्रा को खींच लिया गया, उसको मशीनों के, यंत्रों के द्वारा उसको खींच लिया गया, और इसमें खाली पाउडर पाउडर रह गया। इसमें 8 गुना पानी मिला दे, गर्म पानी, तो जैसा गाय के स्तनों से निकले हुए दूध का स्वाद होता है, वैसा ही स्वाद इस गाय के दूध का पाउडर का है। पतंजलि गाय का दूध का पाउडर, पतंजलि गाय का दूध पाउडर। तो ये पतंजलि काउज होल मिल्क पाउडर, WMP बोलते हैं, इसमें फुल फैट है। तो जिन लोगों को दूध मिलता नहीं है, मिलता है तो मिलावटी मिलता है, मिलता है तो भैंस का मिलता है, तो ये अब पूरे देश भर में सभी चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों पर, और अभी ओपन मार्केट में भी जाना शुरू हो चुका है। और इसकी लॉन्चिंग भी हम एक तरह से आज ही कर रहे हैं, क्योंकि अब सब जगह पहुंच चुका है। 250 ग्राम का पैकिंग है या आधा किलो का पैकिंग है, तो आधा किलो में आप 8 गुना पानी डाल दीजिए तो 4 किलो दूध तैयार हो गया। इस आधा किलो दूध के अंदर, ये आधा किलो दूध का पाउडर है, 200 ग्राम का भी है फिर, तो बड़ा परिवार है तो आधा किलो दूध का पाउडर लेके आए, और आपने 4 किलो एकदम गाढ़ा दूध जिसको बोलते हैं ना, इसमें मलाई भी पूरी आएगी, मक्खन भी पूरा निकलेगा, घी बनाना चाहें घी बना लो, देसी गाय हो। तो ये जो है पतंजलि गाय का दूध का पाउडर, और अभी तो देसी गाय के ऊपर आचार्य जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अभी करीब 500 करोड़ रुपए देसी गाय की नस्ल का सुधार करने पर आने वाले कुछ समय में खर्च करेंगे, और उससे करोड़ों गायों की नस्ल का सुधार भी हो जाएगा। जो 3-5 किलो दूध दे रही हैं, उन्हीं गायों से आगे आने वाली जो उनकी संतति है, उससे 25 से 50 किलो, ब्राजील में हमारी हिंदुस्तान की ही नस्ल की गायें, वो 50 से 60 किलो दूध दे रही है। तो उसको ये जो है कुछ इसमें टेक्निकल चीजें हैं, इन सब का समावेश करके ये भी करने वाले हैं।
अभी तक विदेशी कंपनियां ना बच्चों को पावर ड्रिंक के नाम पर क्या दे रही थी, बूस्ट, कॉम्प्लॉन, हॉर्लिक्स, बॉनविटा, इन सबसे ज्यादा पावरफुल ये पतंजलि हर्बल पावर वीटा निकाला है अभी, और ये भी पूरे देश में पहुंच चुका है। बहुत दिनों से इसकी इंतजार थी, क्योंकि लोग विदेशी कंपनियों से छुटकारा पाना चाहते थे, कोई स्वदेशी विकल्प नहीं दिखता था। जैसे पहले टूथपेस्ट का, साबुन शैंपू का, वॉशिंग पाउडर का, डिशवाश का कोई विकल्प नहीं था, वो विकल्प तो दे ही दिए थे। ये करीब 10 वर्षों के शोध के बाद ये तैयार किया है। इसमें जड़ी बूटियां भी हैं, इसमें ब्राह्मी है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें शंखपुष्पी है, जो मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर के नस नाड़ियों को, और इसमें विटामिन डी है, विटामिन B12 है, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है। तो ये अब अपने बच्चों को आपको बूस्ट, कॉम्प्लॉन, हॉर्लिक्स और बॉनविटा नहीं पिलाना पड़ेगा, क्योंकि उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है ये पतंजलि हर्बल पावर वीटा, ये पिलाएंगे आप। तो खैर, ये भी अभी सब जगह पहुंच चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। शरीर को बलवान बनाने के लिए एक तो योगाभ्यास, जैसे अभी बेटी आसन कर रही थी, व्यायाम कर रहे थे हम सब, फिर कुछ खास इनको और भी शारीरिक प्रदर्शन आदि बेटियों ने बड़े उत्साह से तैयार किया है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आगे कुछ है, दूसरे अभ्यास प्रस्तुत कर रही हैं व्यायाम के, हमारी गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां वैदिक कन्या गुरुकुलम की। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चक्र की घड़ी की तुंग हार दो, है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चक्र की घड़ी की तुंग हार दो, आन आन शान या की शान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुंग हार दो, आन बान शान या किसान गाहो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आनंद है प्रचंड। प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है ये भागवत कतार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, प्रचंड ये सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए इस तरह की क्रियाएं बच्चों को सिखाई जाती हैं, बेटियां हो या वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो लाल, तुम ये सोच लो। कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो,
भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जन्म की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान शान याति जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड जोरदार तालियां एक बार सभी बेटियों के लिए। चलिए बहुत बहुत अभिनंदन।